हेलो यूपीएससी स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो लास्ट का 30 दिन है ना, उसमें ऐसा क्या करें, किस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, किस हिसाब से अपनी पढ़ाई करें कि हमारा प्रीलिम्स आराम से क्रैक हो जाए। उसी के लिए हाई पावर स्ट्रेटजी। देखिए, 2022 का जब मैंने प्रीलिम्स दिया था, तब विश्वास कीजिए मेरा डेडिकेशन बहुत ज़्यादा हाई था। इतना ज़्यादा कि मैं बस यही चीज़ दिख रही थी मुझे कि बस मेरा प्रीलिम्स होना चाहिए। ठीक है, मैंने रिजल्ट के बारे में उतना नहीं सोचा, लेकिन मैंने हमेशा ये जरूर सोचा कि मेरा प्रीलिम्स होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस उसी हिसाब से अपनी हाई पावर स्ट्रेटजी को अब अपनाना है। अब अपना ले लोगे, विश्वास करो अगले 30 दिन में आप क्रैक कर जाओगे। ठीक है, लेकिन जिन्होंने ये हाई पावर स्ट्रेटजी नहीं अपनाएंगे, विश्वास करो उनका नहीं होना है। क्योंकि कुल मिला के ना 15,000 लोग ही लगभग आप क्या मान लीजिए कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, इस बार वैकेंसीज थोड़ा ज़्यादा है, तो ये मान के चलिए 15,000 मैं मैक्सिमम मान रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना भी यूपीएससी ले जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा हाई एक्सटेंशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है इस 30 दिन में। हम सब पे बात करेंगे, हर एक पहलू पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, बस क्या करना है, आप अगर नए हैं तो चैनल को जरूर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब जरूर के लिए, बहुत कुछ मिलेगा आईएएस एग्जाम के लिए। ठीक है, डू और डाई की सिचुएशन है हमारी, तो हम क्या करेंगे, सुपर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी अपनाएंगे अपने आईएएस एग्जाम 2023 के लिए। ठीक है, जैसे देखो, सबको पता है कि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमारे पास जो भी एजेंडाज हैं, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, साइंस एंड टेक पढ़ना है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, कुछ करंट अफेयर्स पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, तब जाके यूपीएससी निकलेगा। उसके बाद आईएएस बनने के ख्वाब के नज़दीक हम और जा पाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत को कैसे डिवाइड किया जाए, किस तरह किया जाए, आपने थंबनेल में देखा होगा 12:12 फार्मूला, उस पर बात करूंगा कि अगले 30 दिन आप 12:12 फार्मूले से किस हिसाब से बहुत आराम से अपनी लाइफ को आगे अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं 12:12 फार्मूला। क्या है ये 12:12 फार्मूला? यह एक ऐसा फार्मूला है जिसको आप अपने आज ज़िंदगी में आराम से अप्लाई कर पाएंगे। पता है क्यों नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ये भी बताऊंगा, और कैसे अप्लाई किया जा सकता है इस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि जब आप ऑफिस में बैठेंगे ना, ये तिरंगा आपकी जो आपका है डेस्क होगा उसके सामने, याद करिए वो सिचुएशन क्या होगी यार, है ना। उसके लिए क्यों ना हम अपने 30 दिन को ज़बरदस्त दे दें, ये 12:2 वाला जो फार्मूला है इसको लगा दें अपनी ज़िंदगी में, बिल्कुल 100% मैं कह रहा हूँ प्रीलिम्स हो जाएगा। बस इस 30 दिन आप इस हिसाब से रखिए कि आपका ये फार्मूला टूटने ना पाए। ठीक है, जब टूट जाएगा विश्वास करो वहीं पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जो जो बताऊँगा नोट डाउन करते रहना, बस बात बन जाए। ठीक है, हर चीज़ पर बात करेंगे कि कैसे आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हो, कैसे आप अपनी पढ़ाई में बहुत बेहतर कर सकते हो, किस हिसाब से प्रीलिम्स के बहुत नज़दीक जा सकते हो, सब पे डिटेल में डिस्कशन होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 12:12 फार्मूला है क्या। ठीक है, 30 दिन हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है, ये सर्किल जो बना है ना इसको ध्यान रखना। मैंने क्या किया, अपनी ज़िंदगी का अब आधा समय मैं किस पे दूंगा, अपनी स्टडी पे दूंगा। यही लिखा है 12:12 फार्मूले में, 12 घंटे मुझे क्या करना है, डेडिकेटेड स्टडी करना है। कैसे करना है इस पे भी चर्चा करेंगे। अगले आठ घंटे हम क्या करेंगे, सोने की कोशिश करेंगे और एक अच्छी नींद लेंगे। देखो, अच्छी नींद नहीं लोगे प्रॉब्लम बनी रहेगी, रखना प्रॉब्लम बनी रहेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे, इसलिए नींद लेना ज़रूरी है। और लास्ट के जो 4 घंटे बचते हैं उसमें आप क्या करेंगे, लाइफ के जो भी काम है वो करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, लैपटॉप चलाना, फ़ोन चलाना, घर के कुछ काम है वो सब आप करेंगे। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, 12 आवर्स की डेडिकेटेड स्टडी हमें करनी ही करनी है। ठीक है, तो मैं इन दोनों पे बात नहीं करने वाला। ठीक है, स्लीप और लाइफ वर्क पे ये करना ही है, क्योंकि इतना नहीं सोओगे तो बात नहीं बनेगी, ध्यान रखना। और 4 घंटे मुझे लगता है ज़िंदगी में थोड़े बहुत घर के काम हो जाते हैं, अपनी भी पर्सनल लाइफ है उस पर भी थोड़े बहुत हो जाएगा, लेकिन 12 घंटे डेडिकेटेड स्टडी देनी है। कैसे देनी है, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए, जब भी 12 घंटे हम पढ़ेंगे तो उस 12 घंटे में अपने टाइम को हम इस तरह डिवाइड करेंगे, 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे और 3 घंटे। ठीक है, देखो 3 घंटे पहला क्या होगा, जिसमें हम सेल्फ स्टडी करेंगे, वो टॉपिक उठाएंगे, जो टॉपिक अभी मेरा कमज़ोर है, हम पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे। क्या आएंगे, बहुत सारे डाउट आएंगे, सीधी सी बात है, जब पढ़ोगे तो डाउट आएगा ही आएगा, है ना। लेकिन जो अगला 3 घंटा हम पढ़ेंगे ना, वो टाइम आप कुछ भी डिसाइड कीजिए, उस पर भी अभी चर्चा करूँगा कि टाइम क्या रख सकते हो आप पढ़ने का। ठीक है, सब कुछ बात करेंगे, टेंशन ना लो।
लेकिन 3 घंटे सेल्फ स्टडी दीजिए, वो वाले टॉपिक जिसमें आपको डाउट आ सकते हैं वो टॉपिक कीजिए, ठीक है। अगला जो 3 घंटा आप पढ़ेंगे सेल्फ स्टडी में, ध्यान रखना वो स्ट्रांग सेल्फ स्टडी होगी। इसका क्या मतलब है स्ट्रांग सेल्फ स्टडी? इसका ये मतलब है जो टॉपिक आपने एक बार दो बार पढ़ लिया है उसको रिविजन करना है। उसको क्या करना है? रिविजन करना है, क्योंकि इसमें डाउट नहीं होगा। इसमें डाउट नहीं होगा मतलब ये लास्ट स्टेज में स्टडी चल रही होगी। जैसे मान लीजिए पॉलिटी का कोई चैप्टर आपने पढ़ा, आप ऑलरेडी पढ़ चुके, आपको बहुत अच्छे से पता है, रिवीजन करना है, इसे कहते हैं स्ट्रांग सेल्फ स्टडी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, डीकेज डाउट वाले टॉपिक को लेके 3 घंटे 6-6 घंटे बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कभी स्ट्रांग सेल्फ स्टडी पे ध्यान नहीं देते हैं। वो गलती मत कीजिएगा प्लीज, है ना। जो आपका मजबूत है ना उसको और मजबूत करो यार, तब जाके बात बनेगी, ठीक है। सेल्फ स्टडी करिए, 3 घंटे डाउटेबल पढ़िए, 3 घंटे वो पढ़िए जो आपको रिवीजन करना है। मैं कह रहा हूँ इसके बीच में गैप नहीं कर पाता है कोई भी कैंडिडेट, नहीं कर पाता है, तभी आप क्या होते हो एग्जाम में हमेशा कंफ्यूज बने रहते हो, क्योंकि आपका जो स्ट्रांग पोर्शन है आपने उसको और स्ट्रांग करने की कोशिश नहीं की। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, ज़रूर कीजिए, स्ट्रांग को और स्ट्रांग बनाइए। अगला 3 घंटा क्या करना है? सिर्फ MCQ सॉल्व करना है। इतने MCQ सॉल्व करेंगे कुछ कहने का नहीं। मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, जितना हो सके उतना कीजिए, ठीक है। खूब सारे क्वेश्चंस कीजिए 3 घंटे में। मैं मानता हूँ एक एवरेजन आप आराम से किसी हाल में 120 प्लस क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। अगर मैं इसको 30 डेज से मल्टीप्लाई कर दूँ ना, 30 डेज से पता है आपको कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। 12 तिहाई, ठीक है, 3600 क्वेश्चन, मतलब आप 36 पेपर प्रीलिम्स के लगा के जा रहे हैं। तो ये क्यों करना है? देखो अगर MCQ बहुत ज़्यादा सॉल्व करोगे ना तो पता है वहाँ पे भी कुछ डाउट होंगे। भाई अब सेल्फ स्टडी की, यहाँ पे डाउट आ गया, खूब सारे MCQ सॉल्व किए, वहाँ पे भी डाउट आ गया, तो उन डाउट को 3 घंटे हम क्लियरेंस पे रखें, 3 घंटे डाउट को क्लियरेंस पे रखेंगे। ये सब टाइम बना लेना बहुत अच्छे से। ये 3 घंटे सेल्फ स्टडी देंगे स्ट्रांग वाली, ये 3 घंटे वो वाला करेंगे जहाँ पे डाउट आता है। उसके बाद अगले 3 घंटे हम क्या करेंगे, खूब सारा MCQ सॉल्व करेंगे। इसमें आप 2 घंटे हो सकता है मॉक टेस्ट करते हो और वो करते हो। ध्यान रखना आज मॉक टेस्ट सॉल्व किया तो अगले जो 3 घंटे आएंगे उसमें आपको डाउट क्लियर नहीं करना है, अगले दिन करिएगा 3 घंटे। अभी जो आपने सेल्फ स्टडी के दौरान डाउट क्लियर हुए हैं वो करिए। ये डाउट क्लियर कैसे कर सकते हो? क्लासेस करके, ठीक है, या सेल्फ स्टडी मोड में और आके, ठीक है। ये 2 तरीके हैं, आप उसको कर सकते हैं। टॉपिक को आप यूट्यूब पर कहीं पर जहाँ भी आप पढ़ते हैं अपने मेंटोर से किसी से बात करके उस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, अब आपने क्या किया, ये सब प्लान बना लिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? हेल्थ, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है? हेल्थ। और जो पढ़ने का टाइम है 12 घंटे मैं निकालूंगा दिन का कैसे, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए मैं हमेशा कैंडिडेट से एक बात कहता हूँ कि अगर आपको पढ़ना है 12 घंटे का अपना अगर टाइम निकालना है तो सबसे पहले क्या कीजिए, नंबर एक सुबह 5 बजे उठने की आदत डालिए, ठीक है। अगले 7 दिन तक कोशिश कीजिए कि सुबह 5 बजे उठना है, ठीक है। क्या करना है, 5:30 बजे आपको पढ़ने बैठ जाना, ठीक है, ठीक 5:30 बजे पढ़ने बैठ जाना। यहाँ से ये मान के चलिए 6 आवर्स आपको स्टडी करना ही है, ध्यान रखना करना ही है। तो अगर 5:30 बजे आप पढ़ने बैठते हैं तो आराम से ये मैं मानता हूँ कि 11:30 बजे तक आपकी सेल्फ स्टडी हो जाएगी, प्लस 30 मिनट आप क्या करेंगे बीच बीच में रिफ्रेशमेंट लेंगे, तो कुल मिला के 12 बजे तक आप क्या कर पाएंगे, जो आपका 12 PM होगा यहाँ पे क्या होगा, आपका 6 घंटे की स्टडी कम्प्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक चांस होगा आपके लिए कि यार चलो ठीक है इतना हमने कम्प्लीट कर लिया। फिर क्या कीजिए, 12 बजे के बाद कुछ नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिए, दोपहर का समय होता है, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए करना है तो। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम बैठेंगे, सीधी सी बात है, 3 बजे, ठीक है। और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हम अपनी सेल्फ स्टडी को देंगे 3 घंटे यहाँ पे। हो सकता है इस 3 घंटे में सिर्फ MCQ सॉल्व करूँगा, हो सकता है मैं कुछ भी करूँगा, ठीक है, ऐसा करिए। फिर क्या करना है, यहाँ से अपने डाउट क्लियर सेशन में चले जाइए, क्लासेस वगैरह कीजिए, फिर रात में बैठिए, है ना, रात में 8 बजे बैठिए, 8 बजे से लेके 11 बजे तक, या कुछ लोग अगर 1 घंटा और पहले कर सकते हैं तो वो करिए, 8 से 11 3 घंटे आप यहाँ दे दीजिए, ठीक। तो 6 घंटे यहाँ के, 6 घंटे यहाँ के, आपके 12 घंटे ये कम्प्लीट हो, ठीक। इतना करना ही है, ठीक, इतना करना ही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपने हेल्थ कॉन्शियस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए मैंने 12-12 घंटे की पढ़ाई की है यार, और 12 घंटे गुड़े 30 दिन कर दो ना, क्या दिक्कत है, 3600 घंटे मिलेंगे यार आपको, सॉरी 360 घंटे आपको
मिलेंगे। 360 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है, बहुत होते हैं, विश्वास करो। चलिए अब आगे बात करते हैं ना कि आप अपने हेल्थ को कैसे रख सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या कीजिए, जब 5 बजे आप उठिएगा तो आधा घंटे का जो समय मिला है ना उसमें क्या कीजिएगा, 15 से 20 मिनट आप रनिंग करिएगा। क्या करेंगे, रनिंग। सिर्फ मैं बार बार कहता हूँ रनिंग करने का, मैं भी रेगुलर रनिंग करता हूँ। क्या करना है, देखिए आप जाएं, स्टार्टिंग के 10 मिनट आपको स्लो चलना है, स्लो चलिए, बिल्कुल स्लो चलिए, धीरे धीरे आप बस टहलिए। अगले 10 मिनट आपको क्या करना है, फास्ट रन करना है, जितना ताकत है ना उतनी तेज़ दौड़िए, ठीक है, बीच बीच में रुक रुक के दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी। इससे क्या होगा ना, आपकी पूरे शरीर का, बॉडी के एक एक पार्ट्स आपके हिल जाएंगे, पूरी तरह से हिल जाएगा। पता है जो जड़त तो आपके शरीर में बैठ गया है, ठीक है, वो जड़त तो, जैसे आप बैठते हो टेबल पे, नींद आती है, क्यों आती है पता है, क्योंकि बॉडी में जो ब्लड का फ्लक्चुएशन है वो उतने मजे से हो नहीं रहा, बॉडी का हर अंग ना उतना ज़्यादा कह सकते हो ना वाइब्रेशन में है नहीं। जब कोई चीज़ वाइब्रेशन में है ही नहीं तो प्रॉब्लम होगी, सीधी सी बात है। तो आप अगर ना बहुत तेज़ी से रन करेंगे तो बॉडी का एक एक सेल्स कहेगी यार मैं जिंदा हूँ, ठीक है, तो वो करिए। लेकिन करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपने आके दौड़ के आए, ठीक है, एक बॉटल रखिए, ठीक है, ध्यान रखना आज से कर लो इसको, मैं कह रहा हूँ 30 दिन कर लो, आप इतना एनर्जेटिक फील करोगे ना, सिर्फ ज़्यादा नहीं, ये चीज़ आप एक हफ्ता करके देख लो, एक हफ्ता में क्या करो, एक दिन करके देख लो यार, कल ही करके देख लेना, एक हफ्ता तो बहुत बात है, एक दिन करके देख लो, आपको गारंटेड बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्या करना है, देखो एक बोतल आपने लिया पानी की, थोड़ा सा चिल पानी रखिएगा, ठंडा, जैसे फ्रिज में लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो कि मुंह में डालते ही पागल हो जाओ, इतना नहीं, हल्का सा ठंडा पानी होगा। उसमें क्या मिलाना है, आपको मिलाना है ग्लूकॉन डी, है ना, ग्लूकॉन डी मिलाइए, जानते हो गए ग्लूकॉन डी आता है, आप उसमें क्या कीजिएगा, कुल मिला के 1 से 2 चम्मच के आसपास उसमें मिलाइएगा, छोटा चम्मच रहता है, 2 चम्मच आपको क्या करना है उस बॉटल में फिल कर लेना है। बॉटल कितनी बड़ी होगी, 800 ml से लेके 1000 ml तक होती है, मतलब 1 लीटर के आसपास आप पानी उसमें होगा, ठीक है, मिला देना है, मिला के अच्छे से उसको झल लीजिएगा, मिला दीजिएगा, मिलाने के बाद जब आप पढ़ने बैठेंगे ना, ध्यान रखना जब आप पढ़ने बैठो कितने 5:30 बजे या हो सकता है 5:45 तक आप बैठ रहे हो, बस बीच बीच में ना उसको पानी को पीना है और अगले 30 मिनट में उस पानी को ख़त्म कर देना है, रुक रुक के पीना, एक साथ मत पीना। विश्वास करो जितना बॉडी में आपका कंसंट्रेशन है इतना एनर्जेटिक फील करोगे ना, आप खुद लगेगा यार क्या हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे सब कुछ हो रहा है, मैं पढ़ने लगा हूँ, ठीक है, आपको नींद उन सब भग जाएगी। होता क्या है ना कि हम सप्लीमेंट नहीं लेते, हम तो आए पढ़ने बैठे लेकिन सप्लीमेंट नहीं ले रहे हो यार, प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। तो क्या करना है, बोतल में कम से कम 1 से 2 चम्मच ग्लूकॉन डी डालिए, उसको क्या करना है पढ़ते समय आधे घंटे में आपको पी लेना है। रनिंग करके आए हो ना तो क्या होता है, बॉडी कुछ मांगती है, तो वो करिएगा। उसके बाद घर के लोग आपको नाश्ता पानी देंगे ही, तब तक तो आप 2-4 घंटे पढ़ लोगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये करना है आपको, प्लीज़ इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए, स्ट्रॉन्ग स्टडी, क्योंकि डू एंड डाई का सिचुएशन है यार, अब नहीं करोगे तो कब करोगे ज़िंदगी में पढ़ाई, ये बताओ, है ना। क्यों हमेशा रात भर सोचते रहते हो बैठ के, नहीं यार अब नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्यों रात भर सोचने से कुछ मिलना है क्या आपको, ठीक है। तो सोचना बंद कीजिए, एक्शन पे काम कीजिए, जो बता रहा हूँ करके देख लो, एक दिन करके देख लो ना, ठीक है। सुबह 5 बजे उठो, आधे घंटे 1 घंटे जो भी आपका, एक आधे घंटे की रनिंग वाला 20 मिनट का मैं मामला कह रहा हूँ, 20 मिनट रन करके देख लो, उसके बाद आके भाई ग्लूकॉन डी, मैं कुछ गलत थोड़ी कह रहा हूँ आपको करने को, एक दिन करके देख लो, नहीं बनता है छोड़ देना, जैसे ज़िंदगी जी रहे हो वैसे जियो, लेकिन कर लोगे तो हो सकता है कुछ बेनिफिट मिल जाए। 30 दिन ही तो पढ़ना है, अच्छे से पढ़ के देख लो, प्रीलिम्स नहीं हुआ तो कहना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, फिर से बता दे रहा हूँ लास्ट टाइम, जो मैंने यहाँ पे बताया है ये वाला, यहाँ पे मॉक टेस्ट पे और MCQs पे खूब 3 घंटे बहुत होता है, करके देखो ना, 3 घंटे MCQs, डाउट क्लियर आएगा, डाउट क्लियर का भी तो टाइम 3 घंटे दे दिया हूँ, 3 घंटे स्ट्रॉन्ग स्टडी करनी है, जो रिविजन करना है सेल्फ स्टडी का भी तो टाइम दे दिया, सब कुछ है भाई, सब कुछ है, लगाओ अपनी ताकत, ठीक है। लास्ट में बस एक ही बात कहूँगा, वॉल्ट डिज्नी का एक बहुत सुंदर कोट है, उन्होंने कहा था, द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्वाइट टॉकिंग एंड डूइंग, मतलब बीइंग डूइंग, है ना। किसी भी चीज़ को शुरुआत कीजिए बहुत शांति से की, और जब वो शुरुआत करेंगे तो आप, सीधी सी बात है, उसका रिजल्ट जब मिलेगा ना तो वो शोर मचाएगा। शुरुआत बहुत शांति से करनी है, रिजल्ट अपने आप सबको बता देगा कि आपने कुछ कर लिया, ठीक है। तो क्या करना है, फिर से आप सबसे कह रहा हूँ, इस हाई पावर स्ट्रेटजी को अपनाइए, 12:12 फार्मूले को अपनाइए, काम कीजिए। हाई पावर मतलब जो हम ऑलरेडी बैठे रहते हैं ना, हाई पावर नहीं मिल पाती है, वो हाई पावर उस बॉटल से मिलेगी जो आपके पास है, ध्यान रखना। और क्या करना है, 15 से 20 मिनट जम के दौड़ना है,
जम के दौड़ रहे हैं। सुबह उठोगे ना, देखोगे कुछ नहीं, कुछ कोई नहीं दिखता है ना, कोई नहीं दिखता है आसपास में। बस 10-15 मिनट हम तो अपनी मेहनत करके अपने रूम में चले आए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए इतना कीजिए। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई बात आती है तो व्हाट्सअप नंबर यार डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, नहीं जुड़े हो चैनल पर जरूर जुड़ो, ठीक है, बहुत कुछ मिलेगा। 5 मिनट की सीरीज चल रही है, उसको जरूर देखना, ठीक है, उसको जरूर देखना, एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।